बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में हम एक अपार्टमेंट में आ गए हैं जिसकी जो स्टार्ट ही मैंने फॉल सीलिंग से की क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी वॉल वगैरह जो है वो डेकोरेटेड हैं और फॉल सीलिंग के साथ साथ इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्दे का जो साइज़ है वो उसके लिए भी एक डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखिए, मैं आप लोगों को पहले इसका व्यू दिखा देता हूँ कि यहाँ से जो है कहाँ तक का इसका जो है वो व्यू आपको नज़र आएगा। तो ये जाली है, इस वजह से आपको जो है पिक्सल थोड़े से जो है ख़राब नज़र आ रहे होंगे जाली में। इस वजह से मैंने जो है अब मैं जो है इंट्रेंस आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप जो है वो इंट्रेंस पे जैसे ही आप इंटर होते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो टीवी लाउंज जो है वो नज़र आ जाएगा। टीवी लाउंज जो है वो काफ़ी अच्छा डेकोरेटेड हुआ हुआ था, फॉल सीलिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई थी, लाइटिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी और जो है मतलब स्पेस भी बहुत अच्छा था। स्पेस से मुराद ये कि आप आराम से जो है इसको अच्छी तरीके से जो है ना मेनटेन कर सकते हैं। डेकोरेशन करने की इतनी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पहले से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो डेकोरेटेड हुआ हुआ था। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ये देखिए, यहाँ से मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है, मैं दरवाज़ा नहीं खोल पाया क्योंकि इसका जो इसकी जो कुंडी थी वो मकसद के टाइट हुई हुई थी, जिस वजह से जो है मैं नहीं खोल पाया। सो के मैं आप लोगों को दूसरे रूम में लेकर आ गया हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे कबर्ड्स बहुत स्टाइलिश थे और स्टाइलिश के साथ साथ आप इसका स्पेस देख सकते हैं। अब हम जो है ये तीसरे रूम के अंदर हैं तो ये आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से जो है इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेनटेन किया हुआ है। विंडो में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसकी विंडो है जो बाहर का व्यू देती है। यहाँ से आपको बहुत अच्छी हवा आएगी, हवा आने के साथ साथ जो है इसका जो रोड का व्यू है बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा है। यहाँ से आप जो है वो रोड पे आराम से जो है पूरी रोड का जो है व्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना स्टाइलिश फर्नीचर है, पीछे बैकग्राउंड जो है वो भी जो है बहुत अच्छा जो है इन्होंने कवर किया हुआ है। तो जो भी रेंट पर लेना चाहता है या जो ख़रीदना चाहता है तो अपना नंबर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, ये लोग खुद आपसे रब्ता कर लेंगे और जो है आपको सारी डिटेल दे देंगे। ये लोकेशन हैदराबाद की है, याद रहे ये लोकेशन हैदराबाद की है। तो हैदराबाद से जो भी लोग जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं या रेंट पर लेना चाहते हैं तो वो अपना नंबर मेंशन कर दें, ये लोग खुद आपको कॉन्टेक्ट करके विज़िट करवा देंगे और आपको हर एक चीज़ जो है वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे जो है इसके साथ अटैच वॉशरूम है। पहले मैंने आप लोगों को एक और वॉशरूम दिखा दिया था, ये दूसरा वॉशरूम है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं वो मेंटेन हुई हुई हैं, मतलब जो जो चीज़ें जो वॉशरूम में जिनकी नीड होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बस शीशा नहीं था, ओवरऑल जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो है कम्प्लीट हैं, जो मतलब जैसे शावर वगैरह और ये सब चीज़ें। अब हम जो है वो चौथे रूम की तरफ जा रहे हैं। तो चौथा रूम जैसे ही मैं इंटर कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि इसमें भी दो बेड लगे हुए हैं, ऊपर फॉल सीलिंग भी बहुत खूबसूरत हुई भी है, कबर्ड वगैरह वही स्टाइलिश वाले कबर्ड हैं और बेड भी आप देख सकते हैं। बेड वगैरह तो ये इनके हैं तो आप लोगों को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड का जो इन्होंने जो बैकग्राउंड लगाया हुआ है, जो आजकल वॉलपेपर बैकग्राउंड चल रहे हैं ये वो वाला इन्होंने लगाया हुआ है। और कबर्ड आप देख सकते हैं ये फिक्स कबर्ड हैं जो दीवार में लगे हुए हैं, ये आप लोगों को ज़रूर मिलेंगे अगर आप रेंट पर लेना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो हैं वो वेल डेकोरेटेड हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक विंडो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे खोल कर दिखा देता हूँ। ये भी व्यू जो है ज़्यादातर जो विंडो के जो व्यू हैं वो बिल्कुल रोड की जानिब हैं ताकि आप लोगों को कोई भी हब्स वगैरह या मतलब गर्मी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी हवा आ रही थी, मैंने खुद फील किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बटन वगैरह आप चलाएँगे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये दिखाने के लिए मतलब ये वॉशरूम वगैरह दिखाने के लिए जो है मैंने इसके साथ भी अटैच वॉशरूम था। यहाँ पर आ गया है टैंक जो बालकनी में लगा हुआ है और इसके साथ साथ जो है फिल्टर यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर आपको बालकनी से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ जाएगा, जो आप लोगों को मतलब कि एक हेल्दी मतलब हवा जो होती है ना, हेल्दी एयर जो होती है वो जो है प्रोवाइड कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे हर एक चीज़ को जो है बनाया गया है, मतलब बहुत प्लानिंग के साथ इस घर को बनाया गया है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली। तो अगर कोई लेना चाहता है जो रेंट पर लेना चाहता है वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, और अगर जो है वो कोई ख़रीदना चाहता है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। कमेंट बॉक्स पे अपना नंबर लिख दीजिए, ये लोग खुद आपसे कांटेक्ट करके जो है आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा देंगे, आपको इससे अच्छी अच्छी जगहें भी विज़िट करवा देंगे। ये स्टडी रूम है, जो स्टडी रूम होता है ये वो है, उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को इसका भी व्यू करवा देता हूँ कि जैसे मैं खिड़की को जो है वो हटाऊँगा तो इसका व्यू भी बहुत अच्छा आता है, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। तो आप लोगों के लिए स्टडी रूम